सैनिका में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए एक न्यूज़ ये है कि यहाँ की पढ़ाई, यहाँ का स्टेटस, यहाँ का डिसिप्लिन, डोंट चूज दिस कॉलेज, कि इनका जिम और इनके जो ये सारे रिक्रिएशनल एरिया है उथल पुथल चल रही है। अभी इनके चार्जेस कितने हैं नेट पे पता करना पड़ेगा। इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हो, आगे कुछ परस्यू करना चाहते हो सकता है आपको सर्वाइव ना करने दे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू कॉलेज दुनिया स्टडी अब्रॉड। आज लौट आए हैं एक और वीडियो के साथ, जहाँ पर आज हम शूट करने आए हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस कॉलेज, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे, सैनिका कॉलेज इन स्कारबरो इन नॉर्थ यॉर्क एक्चुअली। सो ये कॉलेज भी काफी प्रसिद्ध है अमंगस्ट मोस्ट डिसिप्लिन्ड, मोस्ट हैवी वैल्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर, और काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं इंटरनेशनल कोर्स के लिए। आज पता करते हैं इस वीडियो में क्या है यहाँ पे सीन पानी, एंड एक फ्रेंड के साथ आज हम शूट करेंगे पूरे टूर को, एंड लेट्स सी व्हाट दिस कॉलेज हैज टू ऑफर। मेक श्योर टू watch this video till the end, और बने रहो, subscribe करना मत भूलो, and I'll see you. So area of this college is around 700 acres, almost लगा लो lovely professional university जितना ही है, खैर आपका उनका तो बहुत ज्यादा हो चुका है। A wing के बिल्कुल सामने यहाँ पे बहुत बड़ी सी पार्किंग है स्टूडेंट के लिए एंड फैकल्टीज के लिए, और यहाँ पर एक ऐप यूज होता है honk ऐप करके, वो आप यूज करके यहाँ पे आप पार्किंग को यूज कर सकते हो। शॉर्ट टर्म पार्किंग है, लॉन्ग टर्म पार्किंग के लिए आई गेस कोई दूसरी जगह है, आई गेस वो नीचे वाली साइड है। अभी तो हमने यहाँ पे पार्क किया, तो यहाँ पे एक honk ऐप यूज होता है, यू कैन यूज दैट ऐप एंड पार्क योर कार ओवर हियर। विंग ए से एंटर होते हुए वन कैन एंटर इन दिस पार्ट जो कि विंग ए है, और यहीं से सारी बिल्डिंग्स की कनेक्टिविटी है, विंग बी की, सी की और डी की। एज यू कैन सी ये हमारा सारा रिसेप्शन एरिया है, दे हैव मेड इट वेरी ब्यूटीफुल ओवर हियर। यहाँ पे वेटिंग है, बैटरी कार्ड्स हैं, वेरी नाइस। यहाँ पे वेटिंग एरिया प्लस कैफेटेरिया टाइप का बनाया हुआ है, उन्होंने कैफेटेरिया अंदर है कि नहीं, सीम्स लाइक दैट, बट इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। One of the unique feature, we have charging station for all type of phones. So, is main foyer mein, right after the reception, you can go to the C block, to the D block, and to the B block. और वहाँ पे Starbucks है, waiting area है, you can sit, read, study, whatever you want to do. Interesting space. Wing A से right लेते हुए ही हमारा सबसे पहला unit पड़ता है library का, which I found very interesting, क्योंकि library की designing और library की जितनी भी सारी वो कर रखी है इन लोगों ने, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लाइक दोनों पार्ट्स, यू कैन सी देयर आर रीडिंग, यू कैन सिट, स्टडी, वेरी नाइस प्लेस। सनलाइट में आराम से पढ़ाई करो, चिल करो, एंड दे हैव डिफरेंट लॉकर्स। यहाँ पर भी सेंटेनियल जैसी सर्विस है दैट यू कैन बोरो योर ओन लैपटॉप, वो पीछे तक सारा स्प्रेड हो रखा है लाइब्रेरी का एरिया, इट्स क्वाइट नाइस, क्वाइट बिग। दे हैव एंटर्ड इनसाइड द लाइब्रेरी जो कि वहाँ से एंटर होते हैं, एंड जस्ट लुक एट द स्पेस, दे हैव सेपरेट स्पेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सेपरेट स्पेस फॉर ऑल द फैकल्टी मेम्बर्स। यहाँ पे आराम से पढ़ाई करो, रिसेप्शन पे जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो पूछो, क्वाइट नाइस, क्वाइट स्पेस यूज, गेट दिस स्पेसेस गाइस। दे हैव टिम हॉर्टन्स ओवर हियर, ओवर देयर एक्चुअली, व्हाइल स्टडी यू कैन एंजॉय योर स्नैक्स। This is interesting. Your own cubicles for your own personal things. यहाँ पे जो करना है करो. Look at this huge library. यहाँ पे ये सब चीजें आप कर सकते हो. Scan करो कोड को and you can check all these things जो कॉलेज प्रोवाइड करता है. I love this यार. मतलब इस स्पेस को देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, पता नहीं क्यों. That they have planned all these things so nicely. Okay, so वहाँ से खत्म होके हमारा B section यहाँ तक खत्म हो जाता है. And इसके बाद now we are entering this. डी यूनिट, डी विंग एंटर करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। हिस्ट्री एंड अलुमनाइज, वेरी नाइस। देयर आर वॉशरूम्स, द सर्विस हब, आई थिंक यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के क्लब्स वगैरह की डिस्कशंस होती हैं, जहाँ तक मुझे देख के लग रहा है। मेरा फ्रेंड जिसके साथ मैं आया हूँ वो भी इस यूनिट में कभी आया नहीं, सो वी डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दिस प्लेस, बट देखने में यही लग रहा है जहाँ तक स्टूडेंट्स इंट्रैक्शन मुझे दिख रही है। देखो, ऑल इंटरेस्टिंग स्पेसेज आर एक तरफ, लेकिन जो सबसे भागी मुझे चीज़ वो है ये पर्सनल क्यूबिकल्स बॉक्सेस, वेरी नाइस, जहाँ पे खुद पे बैठो, आराम से पढ़ाई करो, जो करना करो, एंड क्वाइट गुड यार, क्वाइट गुड। आई थिंक जो पैसे आप भरोगे इस कॉलेज के लिए वो वर्थ इट है, इफ़ यू यूज ऑल दीज अमेनिटीज। अब 700 एकड़ में कॉलेज फैला हुआ है, तो लोगों का घूमना तो जाहिर है, इसलिए हर जगह पे, हर स्टार्टिंग में इन्होंने यहाँ पर एक मैप, नेविगेशन मैप लगाया हुआ है, जैसे बिग मॉल्स में होता है, सो दैट यू कैन नेविगेट योर वे। दे हैव देयर ओन थ्रेड शॉप, मतलब कि आप यहाँ से खुद के कपड़े खरीद सकते हो, खुद के कपड़े स्टिच करवा सकते हो,
वेरी इंटरेस्टिंग। तो गाइस ए विंग कवर हो गया, बी विंग भी कवर हो गया, अब चलते हैं सी की तरफ। लेट्स सी। ऑफ दे हैव देयर ओन बुटीक, बुटीक सेनेका। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि हमने कुछ नहीं लेना, तो चलते हैं सी की तरफ। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। अगेन पर्सनल रूम स्पेसेस, लर्निंग सेंटर्स, सी दैट, वेरी नाइस। ओह नाउ वी आर एंटरिंग सी स्पेस। तो यहाँ पर अकोमोडेशन का सीन देख लो गाइस, इतनी बड़ी पीछे ये जेल जैसी हाउसिंग है। मजाक कर रहा हूँ, जेल देखने में तो बड़ा फोर्ट जैसे लग रहा है, लेकिन अंदर से काफ़ी सुंदर है। सो यू कैन बुक योर ओन रूम, 600 से 700 का डॉलर तक का यहाँ पे खर्चा आता है। एंड यू कैन हैव योर ओन पर्सनल रूम, शेयरिंग में रहना चाहो शेयरिंग में रह सकते हो। ये सब कुछ अवेलेबल है सेनेका की वेबसाइट पे। सो गो एंड एक्सप्लोर एंड चेक आउट द ऑप्शंस विद वर्क बेस्ट फॉर यू। सारा क्लासेस का है यहाँ पे, पर्सनल क्लासेस एंड एवरीथिंग यू कैन सी। अगेन यहाँ पे एक अलग से एरिया बना रखा है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। एंड अभी अंदर क्लासेस चल रही हैं तो मैं अंदर नहीं दिखा सकता, बट यू कैन सी स्टेयरकेसेस टेकिंग अस टू सी लेवल, सी टू लेवल। एंड सो सी टू लेवल पे मोस्टली यहाँ पे फैकल्टीज के ऑफिस हैं और ये बड़े बड़े यूनिट्स हैं, स्टूडियोज हैं जहाँ पे पढ़ाई हो रही है। और अभी तो फिलहाल कुछ खाली पड़े हैं, बट या यू कैन सी यहाँ पे फैकल्टीज के भी रूम हैं, बिग कॉरिडोर्स, बिग स्पेसेस, वेरी नाइस। वाओ, लुक एट दिस व्यू, दिस ब्रिज इज कनेक्टिंग आई गेस डी ब्लॉक फ्रॉम ए ब्लॉक। और वो पीछे सारा उनका यूनिट है रेजिडेंशियल, जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, स्टूडेंट हाउसिंग। एंड वो पीछे जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है वो हो सकता है इनडोर स्टेडियम है इनका। अनदर बिग स्पेस ऑन सी टू लेवल, यू कैन सी कॉमन स्पेस, बैठ के पढ़ाई करो, चिल मारो दोस्तों के साथ पेशेंट पे। हाँ जी, जिनको शौक है फैशन डिजाइनिंग का उनके लिए ये जगह है, क्योंकि यहाँ अब हम डी ब्लॉक में एंटर कर रहे हैं, स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइनिंग। डिजाइनिंग का तो पता नहीं, लेकिन फैशन हर जगह मुझे दिख रहा है। एंड आई कैन सी ऑल द ड्रेसेस, और जहाँ तक मुझे लगता है यहीं के एल्यूमिनाइज ने डिजाइन की है। काफी इंटरेस्टिंग है, बीच वाली तो काफी इंटरेस्टिंग है, वेरी नाइस। वैनिटी, नॉट वैनिटी, वेंडिंग मशीन। यहाँ पे भी टिम हॉर्टन्स है, अभी बंद पड़ा हुआ है। स्कूल ऑफ फैशन, sculptures, evolution spa and ethnic clinic. Guys, you guys are paying a lot of fees for this college, lekin inki services bhi worth it hai. क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने अपने ब्लॉक्स डिज़ाइन किए हुए हैं, जिस तरह से आई थिंक 20 to 22,000 तो मिनिमम होगी ही होगी। इस पास इस कॉलेज का इंटरकनेक्टिविटी बी विंग से ए विंग को कैसे कनेक्ट किया हुआ है, मतलब मज़ा ही आ गया। सो एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करनी पड़ेगी, और एक विंग से दूसरे विंग कब आगे पता ही नहीं चलेगा। आराम से बैठ के नीचे बरिस्ता स्टारबक्स के मज़े लो व्हाइल डूइंग योर स्टडीज एंड डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स। गाइस ये चीज़ तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस कॉलेज में, कि अगर कोई भी स्टूडेंट जाना चाहता है अपने कॉलेज पर डायरेक्टली, काम पे या घर, तो वो यहीं से देख सकता है कि क्या रूट है, कौन सी बस कहाँ से आने वाली है। आई फाउंड वेरी फैसिनेटिंग, बिकॉज हर कॉलेज में फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, आपको अपने मैप्स पे ये सब कुछ चेक करके जाना पड़ता है, बट इस कॉलेज में हर एंट्रेंस और हर एग्जिट पे ये फैसिलिटीज़ हैं, क्वाइट नाइस। इतने टिम हॉर्टन्स तो मेरे कॉलेज में नहीं थे यार, यहाँ पे तो चार दिख गए मुझे, और हर फ्लोर पे या हर यूनिट पे है। अंदर एक और क्लास चल रही है, यू कैन सी बायोमैकेनिक्स की क्लास है। ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, अब हम जा रहे हैं एफ जी, यानी कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। सो लेट्स गो एंड चेक आउट हाउ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज। स्कूल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेटा साइंस। अभी अंदर क्लास चल रही है इसलिए जाना थोड़ा सा वर्जित है, लेकिन बाहर से देख लो कैसा लगता है। इसके बाहर भी आउटडोर सेटिंग है, इट्स गुड प्लेस, टिम हॉर्टन्स के जस्ट साथ में। लास्ट शॉट में जो ब्रिज देखा था, अब हम वो एंटर करने वाले हैं, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू द एफ ब्लॉक, व्हिच इज जिमनाजियम एंड रिक्रिएशनल सेंटर। जस्ट लुक एट द स्पेस एंड लुक एट द सिटिंग्स, कितनी अच्छी तरह इन्होंने अरेंज की है चीजें। आई रियली लाइक हाउ द वे दे डिजाइन द होल विसिनिटी, मतलब कितना कॉम्पैक्ट भी स्पेस नहीं है एंड स्टिल इट लुक्स बिग एंड गुड। वी आर एंटरिंग के ब्लॉक। के ब्लॉक के बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन कहीं से आ गया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या, आई थिंक ये नया बन रहा है क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस अभी चालू है। सो के ब्लॉक, ये बिजनेस का मुझे लग रहा है। ओह दिस इज़ पॉलिटेक्निक यूनिट, यहाँ पे इंजीनियरिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, कंप्यूटिंग, लाइब्रेरी, रजिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैकेनिक्स एंड रोबोटिक लैब्स। करिकुलर एक्टिविटीज़ के हिसाब से देखा जाए, करिकुलम के हिसाब से देखा जाए, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड और हॉराइजन फील इन लोग का सिस्टम है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहे हो, सीरियसली पढ़ने आ रहे हो, तो
काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप ग्रास्प कर सकते हो इस कॉलेज के थ्रू. लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस. उनको रोबोटिक्स और मैकेनिक्स का शौक है, वो यहाँ पर आएंगे और अपनी अपनी क्लासेस अटेंड करेंगे. ई ब्लॉक जो कनेक्टिविटी है, ई विंग में यहाँ पे काउंसलिंग एंड एक्सेसिबिलिटी सर्विस है. यहाँ पर आके आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो, अपने टीचर से, अपने काउंसलर से बात कर सकते हो, कौन सा प्रोग्राम लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रोग्राम्स के क्या प्रोज एंड कॉन्सेज हैं, आगे जाके फील्ड में जॉब क्या है, कोई कोऑप है कि नहीं है. सो दिस इज द एरिया. अभी तो ये क्योंकि आफ्टर कॉलेज आवर्स हो चुके हैं इसलिए बंद है, बट यहाँ पर आप आ सकते हो. एंड उसके साथ कनेक्ट होते ही हमारा स्पोर्ट्स का एरिया आ जाता है जो यहाँ से स्टार्ट है, तो स्पोर्ट्स का एरिया करते हैं एक्सप्लोर. तो एफ ब्लॉक में जिन लोगों ने नर्सिंग का कोर्स लिया है, डॉक्टर का कोर्स लिया है, वो इनका यूनिट है, ये इनका विंग है. यहाँ पर आप आके अपनी नर्सिंग की, पीआरएन की, आरपीएन जो भी होता है वो, उसकी पढ़ाई कर सकते हो. एंड अभी तो एरिया काफ़ी खाली खाली लग रहा है मुझे, लेकिन कुछ टाइम पहले भी सुबह यहाँ पर काफ़ी लोग थे. जिमनाजियम एंड फिटनेस सेंटर, वी आर गोइंग टूवर्ड्स दिस साइड. ये जीवन लेवल पर आके हमारा जिमनाजियम सेंटर है और स्पोर्ट्स सेंटर है, जो कि काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ इन लोगों ने. एज यू कैन सी ओवर हियर, बिग स्पेस एंड ये सारा बास्केटबॉल कोर्ट एरिया है. मेरा वाइड एंगल लेंस भी छोटा पड़ रहा है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है. आई डोंट नो फोन में कितना दिख पा रहा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ह्यूमन प्रोपोर्शन के हिसाब से. इट्स वेरी नाइस. तीन तीन कोर्ट्स हैं अलग अलग, एंड मुझे लगता है यहीं पर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. वेरी नाइस. लेट्स सी द स्पोर्ट्स सेंटर, रिक्रिएशनल एट सेनेका. सो दिस इज़ द जिमनाजियम जो कि आपने अभी देखा, दिस इज़ द स्पोर्ट्स सेंटर. यहाँ से अपने इक्विपमेंट्स ले सकते हो. सेनेका में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए एक न्यूज ये है कि इनका जिम और इनके जो ये सारे रिक्रिएशनल एरिया है, ये उथल पुथल चल रही है और ये एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज कर रहे हैं. आई गेस एफ ब्लॉक से ई ब्लॉक में कर रहे हैं, जो भी मुझे के यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर ने बताया. देखो यार, मतलब जस्ट लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस. मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप 20,000, 25,000, 15,000 कोई भी कोर्स लेने आ रहे हो, वो वर्थ इट है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, हॉस्टल यूनिट बहुत ही अच्छी बनाई हुई है. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. ये आ गया पीछे हमारा हॉस्टल यूनिट, जो यहाँ पे अकोमोडेशन हैं. अभी इनके चार्जेस कितने हैं ये नेट पे पता करना पड़ेगा. सो इसके लिए आप यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड चेक ओवर देयर, वहाँ से रूम्स भी बुक होते हैं. चॉपर ऑन टॉप ऑफ अस, मीडिया का चॉपर है. ओके, वो ए सेंटर, ए विंग के बिल्कुल बगल में बी विंग है और उसके बिल्कुल बगल में जी विंग है, जो बिल्कुल सामने दिख रहा है. अनफॉर्चुनेटली आज स्पोर्ट्स सेंटर बंद पड़ा है, तो वहाँ जाने का मौका नहीं लग पाया, लेकिन फिर कभी फ्यूचर में आएंगे और स्पोर्ट्स सेंटर ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे. सुना है सेनेका का स्पोर्ट्स सेंटर काफ़ी बड़ा है, दूसरे कॉलेजेस भी यहाँ पर आके मैच करवाते हैं. ये है नर्सिंग फाउंडेशन, नर्सिंग के लिए इनका अलग से इन्होंने बिल्डिंग बना रखी है. और यहाँ पर जो इन लोगों ने कोर्स लिया हुआ है नर्सिंग का, डॉक्टरी का, वो यहाँ पर आ गया कोर्स कर सकते हैं. इट्स वेरी नाइस. हमारे साथ अनमोल भाई हैं, जो अपने एक इम्पोर्टेंट ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं फॉर दोस्त जिनको रेजिडेंशियल एरिया में जाने में रात में डर लगता है. तो या और यहाँ पे अपनी कॉलेज की सारी प्राइवेट सिक्योरिटी होती है. ओके, इफ यू वांट कि तुम्हें कोई रात को एस्कॉर्ट करे, तो सिक्योरिटी कॉल कर सकते हो. वो आएंगे, तुम ऐसे वॉक करके जाना चाहो वॉक करके जा सकते हो, कार में जाना चाहो कार में जा सकते हो. तो सेफ्टी के लिए कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पे, सेफ्टी तुम्हारी बिल्कुल अप टू टॉप रहेगी. पूरी वीआईपी सेफ्टी है, सिक्योरिटी के साथ चलोगे. वन ऑफ द नाइस सर्विस फ्रॉम सेनेका कॉलेज. मेरे कॉलेज में तो ऐसा नहीं था क्योंकि सिर्फ एक ही सिक्योरिटी थी, बट यहाँ तो तीन अलग अलग सिक्योरिटीज हैं. So, good topic. So guys, this was all about Seneca College in Scarborough. ये मदर कैंपस है और इसकी अलग अलग बहुत सारी ब्रांचेज हैं. कॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ की पढ़ाई, यहाँ का स्टेटस, यहाँ का डिसिप्लिन हो सकता है आपको सर्वाइव ना करने दे विद पार्ट टाइम जॉब. उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आना. मैं एक ही चीज़ बार बार कहता हूँ, दोबारा ये कहूँगा कि अगर आप ऐसे हो जो अपना फाइनेंस देखने आ रहे हो, अपने पैसे कमाने आ रहे हो, फैमिली को सपोर्ट करने आ रहे हो, डोंट चूज दिस कॉलेज. अगर नहीं इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हो, आगे कुछ परस्यू करना चाहते हो, गो फॉर दिस कॉलेज. ऑनेस्टली मेरी रेटिंग इस कॉलेज के लिए 10 में से 8 होगी. एंड बाकी सब टू यू. देखो, अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से रिसर्च करो इस कॉलेज के बारे में और बताओ कैसा लगा. बाकी मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. सपोर्ट कॉलेज दुनिया, स्टडी अब्रॉड, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.